शुरुआत करते हैं हम लोग अपने पढ़ाई की। रिकॉर्डिंग भी शुरू हो चुका है, ठीक है। और जब रिकॉर्डिंग शुरू हो चुका है तो इल्तिजा इतनी है कि अपना अपना माइक म्यूट कर दे ताकि कोई नॉइज आप ही के रिकॉर्डिंग में ना जाए। तो आज का पहला वर्ड हमको कौन सा बोला जाएगा पढ़ाने के लिए? रिकमेंडेशन, रिकमेंडेशन, अकोमोडेशन। अकोमोडेशन के स्पेलिंग में आप क्या खास बात देखते हैं? कैट डबल है, दो ठो डबल है, क्या क्या डबल है? दो ठो, हाँ जी। तो आपको जो चीजें यहाँ डबल सी और डबल एम, ये वर्ड एग्जाम में सिर्फ स्पेलिंग टेस्ट में आता है और कहीं इसका कोई जरूरत नहीं पड़ता है। और स्पेलिंग टेस्ट में ही दो जगह पर आपको ध्यान देना है कि डबल सी भी होना चाहिए और डबल एम भी होना चाहिए। दोनों में से एक भी सिंगल होगा तो वाहू हो जाएगा, ठीक है। तो डबल सी या डबल एम, अकोमोडेशन, अकोमोडेशन। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच पहचानने का ट्रिक सिखा रहे हैं, अंत में क्या लगा हुआ है? टी आई ओ एन, टी आई ओ एन या एस आई ओ एन लगा रहे तो एकदम गारंटी है कि वो एक नाउन रहेगा। वो क्या रहेगा? एक नाउन रहेगा, एकदम गारंटी इस बात की, ठीक है ना। अकोमोडेशन का मतलब क्या होता है? अकोमोडेशन का मतलब होता है रहने की जगह, रहने की जगह, ठीक है। अब जो दूसरा तरह का सवाल इस वर्ड से पूछा जाता है, दूसरे तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, वो पूछा जाता है इसका साइनोनिम्स, ठीक है, कि इसका साइनोनिम्स क्या होता है। तो रहने की जगह के मामले में अंग्रेजी पूछा जाए तो आप कौन कौन सा अंग्रेजी और जानते हैं? हाउस जानते हैं कि नहीं? तो हाउस इसका एक सिनोनिम्स होगा। बोले सर इतना इजी वर्ड बताइएगा। नहीं सर, हम आपका कॉन्फिडेंस, आ जाइए ना, हम आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप करना चाह रहे हैं, ठीक है। हम आपका हम चाहेंगे कि वो बेंच छोड़ के ही बैठिए, गलती से कैमरा हिल जाएगा ना तो फिर हमको 1 घंटा लग जाएगा सेटिंग करने में, ठीक है, बहुत परेशानी होती है, ठीक है। फिर अगर कैमरा सही नहीं होगा तो फिर है ना। तो हाउस तो हो गया एक सिनोनिम्स। और कुछ आता है आपको रहने की जगह के अर्थ में? कोई वर्ड आता है आपको? हम बोले रेसिडेंस, जिसको आप लोग क्या बोलते हैं? डेरा बोलते हैं ना। तो रेसिडेंस जो होता है परमानेंट नहीं होता है, लेकिन रहने की जगह को रेसिडेंस भी कहते हैं, हाँ या ना बोलिएगा। अच्छा एक चीज आप लोग और जानते हैं, होम जानते हैं कि नहीं? तो मेरे प्यारे बच्चों ये तीन वर्ड तो सिनोनिम्स आप ऑलरेडी जानते हैं। अब कुछ और ऐसा सिखा दे जो आप नहीं जानते थे पहले से, या फिर कम जानते थे, मतलब याद उतना नहीं आता है, तो उसमें से एक वर्ड हम बोलना चाहेंगे, इनहेबिटेंट, इनहेबिटेंट, ठीक है, रहने की जगह। इनहेबिटेंट वर्ड ज्यादातर साइंस के कॉन्टेक्स्ट में यूज किया जाता है, बात समझ में आ रही है। फिर एक और वर्ड हम बोलेंगे अबोर्ड, प्लीज आइए ना, ABODE, अबोर्ड, ठीक है। अबोर्ड का भी मतलब होता है रहने की जगह, ठीक है। इसमें मत बैठिए, क्या नाम है, करण, हाँ छोड़ दीजिए, ठीक है, बैठा लो ना साथ, बहुत प्यारा बच्चा है, ठीक है। इनहेबिटेंट, अबोर्ड। अब कितने सिनोनिम्स हो गए आपके पास? 5। इससे ज्यादा आपको कभी, अब ये नहीं कि अकोमोडेशन का इस सिनोनिम्स ये है, ये 6 वर्ड है, 6वे, 6 का 6 एक दूसरे का सिनोनिम्स, बात समझ में आ रहा है? हाँ जी, चलिए आगे बढ़े। अगला वर्ड बताइए कौन सा है? एकॉम्पनी है ना, वाह वाह क्या बहुत अच्छा सा वर्ड है ये, देखिएगा, ACOMPANY। अगले वीक से रूटीन बनेगा कि 2 दिन सप्ताह में जब बेसिक वोकैबुलरी हटा करके, सिनोनिम्स हटा करके दूसरी चीजें डाली जाएंगी। एक दिन डाला जाएगा OWS और एक दिन डाला जाएगा कंफ्यूजिंग वर्ड्स, ठीक है, ताकि वेराइटी आ जाए, क्योंकि डेली एक ही चीज खाते खाते थोड़ा बोर नहीं होता आदमी। बैगन का सब्जी बहुत अच्छा, लेकिन बैगन का सब्जी डेली कितना खाएंगे? साइनोनिम तो बेसिक में तो ले चल रहे ना, अच्छे से देखिए ना, है ना। ए कंपनी, ए कंपनी के बारे में याद रखिएगा कि पार्ट्स ऑफ द स्पीच वाइज ये एक वर्ब है, ठीक है, और इसका मतलब होता है साथ देना। इसका क्या मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों? साथ देना। ऑनलाइन में सारे बच्चे हैं ना हमारे साथ, और सबको मेरी आवाज क्लियर जा रही है ना?
साथ देना, ठीक है। हम लोग किसी आदमी का साथ देते हैं, देते हैं कि नहीं देते हैं, तो हम लोग एकॉम्पनी समबडी करते हैं, किसी आदमी का साथ देते हैं, राइट right? आया ना बोलो। अब कुछ करने में साथ देते हैं, राइट है कि रॉन्ग है? तो इन करना वाला वर्ब जो है भी फोर के रूप में, जो भी काम करने में साथ देंगे वो भी फोर के रूप में आएगा, हाँ कि नहीं? या कोई हालात में साथ देते हैं, सुख में दुख में ये सब में साथ देते हैं, राइट है कि रॉन्ग है? तो यहां पर कोई नाउन भी आ सकता है, ठीक है। करण कहीं कुछ और देख रहे हैं क्या? हाँ लिस्ट देख रहे हैं क्या? वाह वाह। तो देखिए, जब हम लोग एकॉम्पनी करते हैं तो एकॉम्पनी किसी आदमी को देते हैं। एकॉम्पनी खानदान कहां से आया है? तो कंपनी के खानदान से आया है। किस खानदान से आया है ये? कंपनी वर्ड कौन ऐसा इंसान होगा जो दुनिया में नहीं जानता होगा, ठीक है? कंपनी कोई ऐसा नहीं है जो नहीं जानता होगा। कंपनी क्या है भाई? पार्ट्स ऑफ स्पीच वाइज एक नाउन है, ठीक है। और इसी से बना वर्ब क्या बन गया? ए कंपनी। सीखते जा रहे हैं कि नहीं सीखते जा रहे हैं? कंपनी का दो मतलब होता है, एक मतलब तो आप जानते ही हैं जो बचपन से जानते आ रहे हैं, कंपनी मतलब कंपनी, हाँ या ना बोलिएगा? जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी थी जिसने भारत पर शासन किया, हाँ ना बोलो? हाँ। तो कंपनी का एक मतलब कंपनी होता है जिसमें बिजनेस वगैरह करते हैं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भी होता है कि नहीं होता है? सरकारी कंपनी बहुत सारी है। और कंपनी का एक मतलब होता है साथ, ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो साथ और साथ देना, क्लियर है सबको? अब देखिए, एक कंपनी करते हैं तो इसका साइनोनिम्स अगर कोई आपसे पूछ दे कि कंपनी का साइनोनिम्स बताइए, तो साथ देते हैं इसका मतलब है कि आप उसको कोऑपरेट करते हैं, हाँ या ना बोलिएगा? आप उसको कोऑपरेट करते हैं, आप उसके साथ जुड़ जाते हैं, एसोसिएट करते हैं, हाँ या ना बोलिएगा? आप उसको मदद करते हैं, सहायता करते हैं, मतलब असिस्ट करते हैं, हाँ या ना बोलिएगा? आप उसको हेल्प करते हैं, हाँ या ना बोलिएगा? और यही साथ अगर आप कोई अपराध करने में देने लगते हैं, गौर से सुनिए मेरी बात, बहुत मजेदार चीज है, अगर कोई अपराध करने में आप साथ देने लगते हैं तो उस साथी को एकॉम्प्लिस कहा जाता है। सी पढ़ाएंगे, छोड़ दीजिए, हम बेकार बोल रहे हैं, आगे आएगा ही, इसी लिस्ट में आगे आ जाएगा बोल, ठीक है। तो ये देना, साथ देना, एक कंपनी का साइनोनिम समझ में आ गया? अच्छा, अब यदि पूछ दे कोई इसका कि भाई इसका उल्टा बताओ, अपोजिट बताओ, ये बराबर लिख के हम काट दें, इसका मतलब कि इसका एंटोनिम्स पूछा जा रहा है, तो आप एक कंपनी का एंटोनिम्स क्या बताएंगे? एक कंपनी माने साथ देना, तो इसका उल्टा क्या होगा? हिंदी में उल्टा सोचिए तो क्या होगा? विरोध करना, विरोध करना। तो अब विरोध करेंगे तो इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? अपोज होगा कि नहीं होगा? हाँ या ना बोलिए? अच्छा, विरोध करेंगे तो रेसिस्ट होगा कि नहीं होगा? हाँ ना बोलो? विरोध करेंगे तो उसके रास्ते में रोड़ा अटकाएंगे, हाँ या ना बोलो? तो रास्ते में किसी के काम में रोड़ा अटकाते हैं तो क्या करते हैं? हिंडर करते हैं कि नहीं करते हैं? तो अब आप देख लो कि जब आपने पूछा था ना, अभी तौकीर ने पूछा था ना बेटा कि साइनोनिम्स एंटोनिम्स कब करवाएंगे, तो बेसिक के साथ साइनोनिम्स एंटोनिम्स लेके चलेंगे। बेसिक के साथ लेके चलने से आपको रटना नहीं पड़ेगा, आप समझते जाओगे और कमांड होते जाएगा, राइट है कि रॉन्ग है? इसके अलावा और भी सेगमेंट, सर सर लेट से ज्वाइन हो रहे हैं सर, सर लिंक लेट से भेजी जाएगी? नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर, लिंक लेट से नहीं भेजी जा रही, ठीक है। दो तीन मिनट रुकने के बाद ही, हम वेट करने के बाद ही हमने वो करा है, क्लास स्टार्ट करा है, ठीक है? कोई बात नहीं सर, रिपीट कीजिए प्लीज। हाँ ठीक है, चलिए। तो हम लोग विरोध करते हैं तो क्या करते हैं प्यारे बच्चों? लेकिन फिर भी हम आप लोगों को नुकसान नहीं होने देंगे प्यारे बच्चों, ऐसे घबराते क्यों हैं, ठीक है? घबराइए मत, कल से स्टार्ट करने से 5 मिनट पहले लिंक भेज देंगे, क्लास स्टार्ट करने से, यानी 3:30 में क्लास स्टार्ट होता है, 3:25 में लिंक जाएगा। यस सर, सही है, सही, ठीक है, ताकि किसी बच्चे का कोई नुकसान नहीं हो। हमने बोला था ना, मैं हूं ना, यस सर, कौन है मैं? नहीं नुकसान होने देंगे, नहीं नुकसान होने देंगे, वादा है मेरा। एक लेटर भी पढ़ाई का नुकसान अगर हो गया मेरे चलते तो लानत है मेरे पे।
हम तो टीचर है ना, हम पढ़ाते हैं, नुकसान कैसे करवा देंगे। ठीक है, तो आप लोग को समझ में आ रहा है एंटोनिम्स और साइनोनिम्स। एंटोनिम्स बेटा कभी रटना मत, कॉमन सेंस लगाना कि ये मीनिंग निकल रहा है तो इस मीनिंग का जितना वर्ड रहेगा वो साइनोनिम्स रहेगा और इस मीनिंग का जितना अपोजिट वर्ड रहेगा वो एंटोनिम्स रहेगा। ठीक है, अगर कोई मास्टर बोल रहे हैं कि रट्टा मारिए तो आप यकीन मानिए कि आप वहां पर जाकर के एग्जामिनेशन हॉल में भूल जाइएगा प्रेशर के कारण। और आप अगर समझ के लॉजिक से उसको कमांड करके जा रहे हैं तो कभी नहीं भूलिएगा, वहां पे फिर से लॉजिक से क्रिएट कर लीजिएगा भूलने पर। समझ रहे हैं बात? बोले नोट्स क्यों जरूरी है? रिविजन के लिए नोट्स जरूरी है। ठीक है, ताकि एग्जाम नजदीक आ जाए तो रैपिड रिविजन हो सके। बोलो हाँ कि ना। चलिए, अपोज, रेजिस्ट, हिंडर, क्लियर हो गया। अगर हम लोग किसी के रास्ते में रोड़ा अटकाते हैं तो हैम्पर भी करते हैं। क्या करते हैं? उसको हैम्पर करते हैं। क्या करते हैं मेरे प्यारे बच्चों? हैम्पर कर देते हैं। अब बताइए, इतना सारा सिनोनिम्स एंटोनिम्स है, कंपनी क्लियर हो गया सबको कि अभी भी दिक्कत है कंपनी में? क्लियर है सबको? हाँ ना, बोलो। चलिए आगे बढ़ाते हैं हम लोग। अगला वर्ड हमको कोई बताना चाहेंगे क्या? अकॉर्डिंग टू, बड़ा प्यारा सा वर्ड है अकॉर्डिंग टू। ये जो है एक प्रीपोजिशन है। ये क्या है? एक प्रीपोजिशन है अकॉर्डिंग टू। ठीक है, और अकॉर्डिंग टू बड़ा अच्छा सा, इसमें एक पॉइंट है जिसको जानना सबको जरूरी है। अकॉर्डिंग टू का हिंदी होता है के अनुसार, के अनुसार। ठीक है, के अनुसार मतलब उसको फॉलो करना है कि उसको अपोजिट करना है? क्या करना है? फॉलो करना है तब के अकॉर्डिंग टू लगाते हैं ना। तो जब हम फॉलो करते हैं तो फॉलो करने के सेंस में इसका सिनोनिम्स आता है बहुत सारा। क्या आप जानना चाहते हैं? तो इसका सबसे पहला सिनोनिम्स होता है मेरे प्यारे बच्चों, इन अकॉर्डेंस विद। इन अकॉर्डेंस विद। ठीक है, इसका होता है दूसरा इन कंप्लायंस विद। इन कंप्लायंस विद, ठीक है। तीसरा इसका होता है एज पर। अभी रुकैया या सुफियान में से किसी एक ने कहा सर फॉलो लिखेंगे इसका साइनोनिम्स, क्योंकि फॉलो कर रहे हैं तो बिल्कुल लिखेंगे लेकिन गलत हो जाएगा। बोले सर ऐसे कैसे हो गया? तो बेटा इसलिए ऐसे हो जाएगा क्योंकि देखिए ये पार्ट्स ऑफ स्पीच वाइज क्या है? प्रीपोजिशन। और फॉलो जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच वाइज क्या है? वर्ब है। तो कभी भी साइनो एंड टू बनाने के लिए पार्ट्स ऑफ स्पीच भी सेम रहना जरूरी है। एक प्रीपोजिशन का साइनोनिम्स हमेशा प्रीपोजिशन होगा। तो ये सारा का सारा प्रीपोजिशन है मेरे प्यारे बच्चों। इन कंप्लायंस विथ छूट गया ना लगता है, यहां पे लिख देते इन, ये हमेशा जरूरी है। अब आप बोलेंगे सर हमको कैसे पता चलेगा कि प्रीपोजिशन है कि नाउन है कि क्या है? तो कुछ पार्ट्स ऑफ स्पीच तो पहचानना हमने सिखाया है। अभी आप बोलिएगा तो हम 5 मिनट में रैपिड रिविजन भी करवा देंगे, करवा देते हैं। यस सर बिल्कुल करवाएंगे। और ये वाला जो संडे का क्लास है, हम आपको बता दें कि जो संडे को क्लास होगा सुबह 7 बजे होगा, उसमें पूरा वॉइस एकदम शुरू से अंत तक 2 से 3 घंटे का क्लास चलेगा। ये पूरा एकदम मैराथन क्लास है, इसको मिस कीजिएगा। कोई रिकॉर्डिंग किसी को नहीं दिया जाएगा इसलिए कि ताकि आप मिस ना करें। ठीक है, बात समझ में आ रही है? सबको प्रेजेंट होना, एक भी लड़का कोई मिस किया है, ठीक है, जो पूरी बूंदिया खाने जाएगा वो अपना सोचेगा। ठीक है, 7 बजे स्टार्ट कर देंगे पक्का। ठीक है, और मैथ कीजिए, हु केयर्स, हम बोलते हैं हम बादशाह हैं। ठीक है, जिसको मैथ को बादशाह देना वो मैथ का क्लास करे। 6:50 में लिंक जाएगा सबके पास, 7 बजे पक्का क्लास स्टार्ट होगा। तो होगा, आप आ जाइए फिजिकल क्लास, हम कहां जाएंगे? हम तो यही हैं, जीना यहां मरना यहां, इसके सिवा जाना का। ठीक है जी, नहीं फिजिकल भी होगा। ठीक है, 3 घंटा मान के चलिए, 2 से 3 घंटा। और हम कोई मेरे पे प्रेशर नहीं बनाएगा ऐसे जोर से बोल के कि सर को डरा देते हैं, अपने सर डर करके कम कर देंगे क्लास, ऐसे कुछ नहीं होगा। ठीक है, ये पहले ही डांट के बोल रहा हूं तो। कितना घंटा का होगा बता दीजिए आप जरा, और हंस भी रहा है लोग, गजब लड़का ही सब।
ठीक है, इसका साइन इन सबको समझ में आ गया। इसका एक स्टार पॉइंट है, सीखना चाहते हैं आप लोग इसका अकॉर्डिंग टू का एक स्टार पॉइंट है, सीखना चाहते हैं? देखिए बहुत सिंपल सा एक सेंटेंस है, मेरे अनुसार ये सब गलत है, मेरे अनुसार अकॉर्डिंग हाँ जी टू मी, अकॉर्डिंग टू मी ये सब गलत है, ऑल दीज थिंग्स आर रॉन्ग, ऑल दीज थिंग्स आर रॉन्ग। ठीक है, अभी जरा गौर कीजिए, जब हम बोलते हैं अकॉर्डिंग टू मी तो याद रखिएगा मी जब आ जाए तो अकॉर्डिंग टू का उपयोग गलत होता है, अकॉर्डिंग टू का उपयोग नहीं करना चाहिए, बाकी सबके साथ कीजिए लेकिन मी के साथ मत कीजिए। बस प्रचलन है, नहीं हो रहा, बहुत सारा लैंग्वेज में ऐसा चीज होगा जिसका क्यों का कोई जवाब ही वो होते आ रहा है, वो होते आ रहा है। अभी इसी क्यों पर एक मजेदार बात बताएंगे लेकिन पहले इसको बताने दीजिए। तो बोली सर यहां पर सही क्या होगा, तब यहां पर सही करने के लिए आपको फॉर लगाना पड़ेगा, अकॉर्डिंग टू नहीं लगाना पड़ेगा, फॉर मी ऑल दीज थिंग्स आर रॉन्ग, मतलब मेरे अनुसार ये सब गलत है। आई होप कि ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। देखिए क्यों आपने पूछा, लैंग्वेज में बड़ा उटपटांग उटपटांग चीज है जिसके क्यों का कोई जवाब ही नहीं है। आप जानते हैं ना कि हमारा पूरा इंडिया और पूरा वर्ल्ड मेल डोमिनेटेड है, मर्दों को हमेशा ज्यादा मिला है, हाँ या ना, औरतों को हमेशा दबाया गया है, लेकिन इंग्लिश ने हमेशा औरतों को ज्यादा दिया। पूछिए कैसे, पूछिए कैसे, देखिए मर्द को क्या मिला, औरतों को क्या मिला, मर्द को दो ही अक्षर मिला, औरत को तीन अक्षर। फिर देखो मर्द को क्या मिला, मैन। देखो औरतों को क्या मिला, वुमन। पर ज्यादा मिल गए दो। फिर देखो मर्दों को क्या मिला, बॉय। ठीक है तीन अक्षर। फिर देखो औरतों को क्या मिल गया, चार अक्षर। ज्यादा मिलते जा रहा है कि नहीं मिलते जा रहा है। फिर देखो मर्दों को क्या मिला, सन, तीन अक्षर। और औरतों को क्या मिल गया, डॉटर। देखो फिर से ज्यादा मिल गया। तो बताओ इंग्लिश में ही ना इंसाफी इंग्लिश ने क्यों किया, आज से हम सभी मर्द मिलके इंग्लिश का विरोध करेंगे, हाँ कि ना? लेकिन जब हम लोग विरोध करने पे आए तो इंग्लिश ने बोला अरे रुको ना यार, सुपर पावर तुम ही को दे देंगे। तब फिर मर्दों को मिल गया, पता है, हस्बैंड, HUSBAND। देखो सुपर पावर कितने लेटर्स हो गए। ठीक है, और औरतों को क्या मिला, वाई। मजा आया? अब क्यों का जवाब बताओ, क्यों ऐसा हुआ, कोई है जवाब? नहीं है। लैंग्वेज जो है क्यों से बहुत उटपटांग चीजों से भरा पड़ा है, जिसको आप सुनिएगा तो बड़ा फनी लगेगा। ठीक है, आई होप कि हमने अकॉर्डिंग टू बताया, सबको क्लियर हो चुका है। ये तो ऐसी फन में बता दी, मस्ती मस्ती में बता दी, इंग्लिश का जोक। अरे विरोध करें सर, पर बोलना चाह रहे तो मी को हटा के क्यों हट लगा दोगे, मेरे अनुसार ये गलत है, तुम्हारे अनुसार तो सही है, तो हम यू लगा देंगे तो बात ही बदल जाएगी ना। हाँ बोलिए बोलिए बच्चे, कश्मीर से कोई बच्चा कुछ बोल रहे थे, पूछिए। मैंने बोला सर विरोध नहीं करना, अभी किसानों का विरोध चल रहा है। अच्छा जी। हमको तो खाली एक ही बात के डर से हम विरोध नहीं कर रहे हैं, कि विरोध करेंगे तो 15 लाख रुपया जो अकाउंट में आने वाला फिर नहीं आएगा भाई, तो हम पटा आएगा सर। आ गया, आ गया सर, मेरे अकाउंट में आया नहीं सर। ये तो ना इंसाफी है भैया, हम लोग अभी यहाँ तैयारी कर जा रहे हैं ना, हम लोग यहाँ पे झाल थाल बजा रहे हैं, 15 लाख ले लिया, कोई मिल गया उसको सर, मुझे आता तो मैं तो तैयारी करता ही नहीं फिर इसकी। आ जाइए आगे बढ़ाए, क्या अगला वर्ड बोलिएगा, अकाउंट है, बड़ा अच्छा वर्ड है, ACCOUNT, अकाउंट। मेरे प्यारे दोस्तों अकाउंट पार्ट्स ऑफ स्पीच वाइज एक उस समीर तशिया स्रट स्क्रीन इस पर अच्छा क्या हुआ यार, मां कर 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 म्यूट, कश्मीरी बोले ना, कश्मीरी बोले ना, हम भी कश्मीरी बोल सकते, बोले कश्मीरी, बोलो सर कश्मीरी, बोला तो बोलो सर।
फिर हम भी इंग्लिश बोलते हैं सर। पहन के ये हाँ अभी इंग्लिश बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं सर। अकाउंट समझ में आ रहा है? अकाउंट बैठ जाइए, आपको 10-5 मिनट वक्त लेंगे हम, ठीक है? ठीक है, देखिए मेरे प्यारे बच्चों सब, अकाउंट का एक मतलब होता है रजिस्टर, खाता है ना। शरीर आपको क्या प्रॉब्लम है भाई, क्या प्रॉब्लम है? स्क्रीन पर आ रही है आप, डिस्टर्ब कर रहे हैं आप सब। एकदम शांत रहिएगा, रिकॉर्डिंग आपका खराब हो रहा है ऑनलाइन वाले बच्चे, ठीक है? क्योंकि फिर आपके पास रिकॉर्डिंग जाएगा, उसमें नॉइज रहेगा, तो आपको पढ़ने में मजा। और एक बात बोल रहे हैं कि जितना भी रिकॉर्डिंग जा रहा, पूरा वीडियो, चाहे आप क्लास अटेंड किए हैं चाहे नहीं किए हैं, हर एक बच्चा को 3 बार पूरा वीडियो देखना चाहिए। बात समझ में आ रही है? यस सर। सर स्क्रीन पे आते हैं, ठीक है सर? कोई स्क्रीन पर आता है सर, इसलिए स्क्रीन। मेरे स्क्रीन पर कहां कोई है? मेरे स्क्रीन पे सिर्फ हम ही रहेंगे, और कहां कोई रहेगा? जो अनम्यूट करता है ना, वही आता है स्क्रीन पे फिर। हाँ हाँ बिल्कुल। अनम्यूट मत रखो भाई, क्या अपना माइक म्यूट रखो, थोड़ा पढ़ाने दो मजे से, देखो कितना अच्छा चीज चल रहा है, अकाउंट है ना। देखिए जरा सा शांति रखो बेटा, यहाँ देखो मेरा बच्चा, देखो अकाउंट, अकाउंट है ना। तो अकाउंट बहुत तरीके का होता है, हम लोग कॉमर्स में भी तो अकाउंट पढ़े। कॉमर्स का कोई बच्चा है यहाँ पे ऑनलाइन में? कॉमर्स का बच्चा है कोई? अकाउंट पढ़ते हैं कॉमर्स में। अकाउंट क्या होता है कि हम लोग कितना पैसा कमा रहे हैं और कितना कैसे खर्च कर रहे हैं, इसका जो लेखा जोखा किया जाता है उसको अकाउंट कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? अकाउंट कहते हैं। और बैंक में भी हम लोगों का अकाउंट होता है, बोलो हाँ कि ना? बैंक में जनरली हम दो तरह का जानते हैं, एक सेविंग्स अकाउंट जानते हैं और एक करेंट अकाउंट जानते हैं। यहाँ पर एक पॉइंट लिखेंगे, अगर आप लोग संभालना चाहते हैं तो संभालना चाहते हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में आता है, ठीक है? देखिए हम लोग क्या लिख देते हैं या बोलते भी हैं, सेविंग अकाउंट। क्या बोलते हैं? सेविंग अकाउंट। मेरे प्यारे बच्चों, जैसे ही हम बोलते हैं सेविंग अकाउंट, ये गलत है। तो बोलिए सही क्या होगा सर? तो सही होगा सेविंग्स अकाउंट, सेविंग्स, ये सही होगा। कहां पर हमने हाईलाइट किया? एस पर। बात समझ में आ रही है? लेकिन जब हम बोलते हैं करंट अकाउंट, तब उसमें कोई एस लगाने की जरूरत नहीं है। करंट अकाउंट, ये सब बैंक में होता है ना। अच्छा, एक और खेल खेलते हैं इसमें, अकाउंट वाले में खेलें कि नहीं खेलें? जैसा बोलो। सब लोग नहीं बोलता, हमसे सब नाराज है, सब गुस्से में, ठीक है? देखो बहुत प्यारा सा, अगर हम हिंदी में बोलते हैं कि मेरा SBI में एक अकाउंट है, SBI में एक अकाउंट है, राइट है? तो आई हैव है ना, कनेक्टेड है ना, आई हैव, बड़ा डर लगता है बीच बीच में चला जाता है ना, तो मुश्किल होता है। आई हैव एन अकाउंट हाँ इन SBI, राइट? लेकिन जैसे ही हम ये लिखेंगे ना, एक बहुत बड़ा गलती कर देंगे, गलती ये करेंगे, इन नहीं होना चाहिए। अब बताओ यहाँ क्या होना चाहिए? विद होना चाहिए। सर एट ए विद आएगा। हाँ वाह वाह मेरे लाल, बस समझ में आई? था ना ये वाला एकदम पकड़ के चलो वाला, ये तो नंबर खा जाएगा एक तो, बोलो हाँ कि ना? अब चलिए आइए अकाउंट को, ये तो अकाउंट वाला मामला हो गया। फेसबुक पे भी अकाउंट होता है, यूट्यूब पे भी अकाउंट होता है, ट्विटर पे भी अकाउंट होता है, इंस्टाग्राम पे भी, सब जगह अकाउंट होता है आदमी का, उस सबको भी क्या कहते हैं? अकाउंट। अब बोलिए कि उस सबका हिंदी बताइए, तो हम कहेंगे हमको माफ कर दीजिए। पूछे काहे माफ कर दीजिए? हम उतना पढ़े लिखे थोड़े हैं, हम उतना पढ़े हैं जी, हम तो खाली लिखे हैं यहाँ पर। उतना आप अंग्रेजी सीखने आए हैं, चीजों को अंग्रेजी में समझने का प्रयास कीजिए, जहां अंग्रेजी ना समझ में आए वहां हिंदी का सहारा लीजिए। क्लियर है बात? तो जब हम बात करते हैं सर, एक्सक्यूज मी, हाँ प्लीज पूछिए। सर सर मैंने अभी ज्वाइन किया, अभी क्या है सर ये वाला सेंटेंस? सर वो क्या, 4 बजे का? आई हैव एन अकाउंट इन SBI, SBI में मेरा अकाउंट है। इन प्रीपोजिशन गलत होगा या विद होगा? नहीं सर, सेंटेंस कौन सा है? प्रेजेंट पास्ट है सर ये? भाई ये वोकैबुलरी क्लास रही है। वाह वोकैबुलरी, ये भी ये प्रेजेंट है, ठीक है? और वोकैबुलरी चल रही है, टेंस भी, फिर भी हमने बता दिया आपको, कहीं भी वन रहे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है।
ठीक है, अभी वोकैबुलरी चल रही है, लास्ट वर्ड है आज की वोकैबुलरी का, लेकिन इसमें हमको और कुछ बताना है, बताएं कि नहीं बताएं? ठीक है, देखिए आप कहीं घूमने जाते हो, शादी में तो जाओगे ही जाओगे, यस सर, ठीक है, पूरी बुंदिया तो खाओगे ही खाओगे, यस सर, आके हमको बताओगे ही बताओगे, ललचाओगे ही ललचाओगे, ठीक है। तो जब आप कहीं से कुछ आते हैं करके और बताते हैं सामने वाले को डिटेल से, तो आप अकाउंट देते हैं। अजान हो रहा है इसलिए चुप होना पड़ेगा, Give an account of something. Give an account का मतलब कोई चीज के बारे में आप ब्यौरा देते हैं, डिटेल से, ठीक है, डिस्क्राइब करते हैं उसके बारे में। ये पूरा का पूरा फ्रेज आपको याद रखना है। When he came back from the movie, he gave an account of the whole movie, ठीक है। He visited fair last week. When he met me, he gave me an account of the fair. क्लियर है, मतलब उसके बारे में डिटेल से बताना, क्लियर है ना? चलिए अब हम लोग ग्रामर करने वाले हैं, क्या आप लोग तैयार हैं इसके लिए? ग्रामर में हम लोग कर क्या रहे हैं ये बताएंगे, हम लोग क्या कर रहे हैं बताइए, प्रेजेंट परफेक्ट चल रहा है और हाँ जी, हम चाह रहे हैं कि हम इसको एक बार डिस्कनेक्ट कर दें ऑनलाइन वाला क्लास, और उसके बाद फिर दोबारा से कनेक्ट कर दें, क्योंकि ऐसे भी कुछ मिनट में ये डिस्कनेक्ट हो ही जाएगा, ठीक है? तो ठीक है सर, कर दी, हाँ ठीक है, उसी आईडी पे फिर से ज्वाइन कीजिए, जो आईडी दिया हुआ है उसी आईडी पे ज्वाइन कीजिए, ठीक है, ठीक है जी।